वेलकम टू अजमेर रसोई। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी नारियल और गुड़ से बने लड्डू। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और आप इसे घर पे आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने नारियल के दो गोले लिए हैं, हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। ये करीब 300 ग्राम है। अब हम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। अब हम इसमें हमारा कद्दूकस किया हुआ नारियल डालेंगे। हमें फ्लेम को लो ही रखना है। हम इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था। ये करीब 300 ग्राम है। अब हम गुड़ को जल्दी से मिक्स कर लेंगे, नहीं तो तले से ये चिपक जाएगा। ये देखिए, गुड़ नारियल में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये हल्का गर्म है, अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। आप अपनी पसंद के अनुसार छोटे या बड़े लड्डू बना सकते हैं। हमारे ये सारे लड्डू बनकर तैयार हैं और ये दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। आप इसे अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।